पूरे भारत के अंदर ट्रैक्टर का एक रेट नहीं है, एमआरपी पे कहीं पे भी ट्रैक्टर नहीं बिकता भाइयों। इसकी जो कीमत है वो एक। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। भाइयों मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में। तो भाइयों दोनों ट्रैक्टरों का आज कंपैरिजन करेंगे। ये 755 टॉप मॉडल खड़ा है जी, जो कि 75 HP कैटेगरी में आता है। CRDI बैलेंसर शाफ्ट के साथ इसका इंजन है। और 655 जी, जो 655 है, तो इन दोनों की कीमत में क्या अंतर है जी, और कितनी दोनों की कीमत है, तो कीमत के बारे में भी बात करेंगे, और फीचर्स का क्या क्या अंतर है भाई, 655 पे जाना चाहिए या 755 पे, तो दोनों ही चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहला फर्क आ जाता है जी दोनों ट्रैक्टरों में, टायर साइज भाई। जो टायर साइज है, फ्रंट टायर की अगर बात करें तो 9, 5, 24 के टायर आते हैं जी 655 में, काफ़ी छोटे हैं जी 755 से। वहीं अगर 755 की बात करें तो 12, 4, 24 का टायर आ जाता है। थोड़ा सा फ्रंट हिस्सा भी इसका हैवी है जी 755 का। तो कुछ भाई कहते हैं कि 655 और 755 में बहुत कम डिफरेंस है। कुछ कहते हैं कि जैसे CRDI आ गया कि भाई, कई भाइयों के फ़ोन आते हैं कि इनमें सिर्फ जो है अपना सॉफ्टवेयर का फ़र्क है या कंप्यूटर से पावर घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो 755 में सॉफ्टवेयर का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी, चाहे वो अपना क्लच असेंबली हो या क्लच असेंबली का फ्लाई व्हील हो, तो इटरनल भी चेंज है जी। अगर 2-4 पावर का फर्क हो तब कंपनियां ऐसे पंप पंप में हल्का बहुत का चेंज करके पावर को बढ़ा देती हैं, लेकिन इसका और इसका पूरे 10 HP का फर्क है। तो 10 HP का फर्क है तो हार्डवेयर चेंज किया हुआ है जी अंदर से, कई सारी चीजें चेंज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। अब आ जाते हैं जी पिछले टायर साइज। जो 755 का टायर साइज है जी वो पूरा परफेक्ट है जी, 18-4-30 का है, पावर के अकॉर्डिंग पूरा सही टायर है। वहीं अगर 655 की बात करें तो इसका टायर साइज 16-9-30 का चाहिए जी, लेकिन 16-9-28 का टायर है। तो मड़गार्ड भी इधर दिखाओ जी, काफ़ी ज़्यादा जगह भी बची हुई है, अच्छा भी नहीं लगता। और जो है पावर कैटेगरी के हिसाब से ये टायर छोटा है जी, 16-9-30 का टायर इसके साथ परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। वैसे तो कंपनियों की अपनी अपनी रिसर्च है जी। अगली जो बात है जी, गियर, ये ट्रैक्टर हाई लो मीडियम के साथ है जी, और ये हाई लो मीडियम क्रीपर के साथ भी आपको मिल जाता है। यानी कि इसकी 30 गियर हैं जी, 15 रिवर्स 15 फॉरवर्ड, और इसके आपको 40 गियर मिल जाते हैं। भाई वो बड़े ट्रैक्टरों में क्रीपर स्पीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्रीपर स्पीड है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट ऐसे हैं जिन पर ज़रूरत पड़ जाती है हमें, कि भाई लोडर डोजर या वो नाली खुदाई वाली चैन वाली मशीन, तो अगर लो स्पीड की ज़रूरत पड़ती है तो इसे हम आधा किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चला सकते हैं पूरी हाई परफॉर्मेंस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी जहाँ पर हमें क्रीपर की ज़रूरत पड़ती है। अगली बात आ जाओ जी दोनों ट्रैक्टर की लिफ्ट पे। तो जो 655 की लिफ्टिंग क्षमता है जी वो है 29 क्विंटल की। तो 29 क्विंटल की लिफ्टिंग क्षमता 65 HP कैटेगरी में काफी अच्छी है जी, लेकिन जो 755 की लिफ्ट है जी वो 32 क्विंटल की मिल जाती है आपको, यानी कि पूरी एन उधासू वाली हाइड्रोलिक है। तो बात आ जाती है जी किसान भाई कीमत की। अगर तो भाइयों मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत है बिल्कुल परफेक्टली 65 HP की, तो 65 HP की ज़रूरत है तो आप 65 HP में 655 ले सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर 65 HP की ज़रूरत है। अगर भाइयों आपको हैवी लोड चलाना है, बहुत ज़्यादा कई काम ऐसे हैं जो कि हैवी लोड पर ही चलते हैं, तो उसके लिए आपको फिर 755 में जाना चाहिए। तो कीमत की बात करें तो जी जब हम नया ट्रैक्टर खरीदते हैं कुल मात्र 1.5 लाख रुपए का अंतर है जी इसमें। तो 1.5 लाख रुपए में लेकिन आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। और अगर आपको 65 HP का काम लेना है तो आप इसको इकोनॉमी मोड में चला सकते हैं, यानी ये भी 65 HP का ही डीजल खर्च करेगा और 65 HP ही निकालेगा इकोनॉमी मोड में। तो ये मोड वाला सिस्टम बड़ा बेहतर है जी। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मेरा काम 65 HP से ही चलना है, घर का खेतीबाड़ी का काम है, तो फिर आप जो है 655 लेके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कमर्शियल काम है भाई, कुछ भी लोडर डोजर या कोई भी कम ज़्यादा स्पीड वाला इम्प्लीमेंट चलाना है, फिर आप जो है 755 की तरफ जाएगी। भाइयों इसकी जो कीमत है
वो एक अनुमानित कीमत बता रहा हूँ जी, 13,95,000 रुपये है 755 की, और उससे पूरा 1,50,000 रुपये कम में 655 मिल जाता है। अगर कीमत की बात करें तो जी, ये अपनी अपनी जो है स्टेट का फर्क है जी, जहाँ कीमतें अप ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती हैं समय के हिसाब से। तो एक अनुमानित कीमत बताई जाती है जी वीडियो में। आज जैसे आज वीडियो शूट हो रहा है तो हो सकता है 2-4-10 महीने बाद या 1 साल बाद कीमतें चेंज हो जाए। तो कीमत पहले इसलिए नहीं वीडियो में बताते थे क्योंकि डीलर साहबान को जाके लोग परेशान करते थे कि वीडियो में तो ये कीमत बता रखी है। तो ये एक अनुमानित कीमत है जी। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर ट्रैक्टर का एक रेट नहीं है, एमआरपी पे कहीं पे भी ट्रैक्टर नहीं बिकता। वो अपना अपना डीलर्स का हिसाब है कि उन्होंने कंपनी से क्या स्कीम उठा रखी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है जी। तो जब भी आप ट्रैक्टर लें तो पहली बात तो कोशिश करें कि टॉप मॉडल ट्रैक्टर लें। लेकिन आपको अगर आप हमें 10-15 मिनट अपने कीमती देते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, तो आपको उन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने के लिए मिले। तो जब भी आप ट्रैक्टर लेते हैं भाइयों, 4x4 या कोई भी, तो फ्रंट वेट, रियर वेट, फाइबर कनोपी और पूरे फीचर वाला ट्रैक्टर लें। कई बार होता क्या है, अगर आप लो मॉडल ट्रैक्टर ले रहे हैं तो लो मॉडल के ही पैसे लें। कई बार होता ये है कि जैसे ये 755 है, इसमें कई सारे मॉडल हैं, तो जो कीमत है डीलर वो टॉप मॉडल की ले लेता है लेकिन ट्रैक्टर किसान को बेस मॉडल भेज देता है। तो इस चीज़ से बचें जी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी, सभी डीलर ऐसा नहीं करते। बहुत बढ़िया ईमानदार जो 40-40 साल से महिंद्रा के 50 साल से डीलर हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर उनका बहुत अच्छा नाम है, तो ऐसा नहीं कि सभी ऐसा करते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होता, यूपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, हर ट्रैक्टर का डेमो, कंपनियाँ भी एक्टिव हैं, लेकिन एमपी के वगैरह के अंदर। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको इस अनुभव से कहता हूँ कि मेरा जो रास्ता है पूरे भारत के किसानों से है, भाइयों से बात होती रहती है। तो वहाँ पे क्या है कि जी, अगर आप 50-60 हज़ार रुपये बुक करोगे तो जाके वो ट्रैक्टर मंगा के देते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए ट्रैक्टर की आपने ट्राई ली कि ये नहीं मुझे दूसरा मॉडल दिखाओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें ट्रैक्टर उनके पास स्टॉक में होते हैं लेकिन वो शॉर्टेज दिखाते हैं जी, शोरूम पे ट्रैक्टर लेके नहीं आते। अगर आप कोई ट्रैक्टर लेने गए तो वो आपसे बोलेंगे कि आप 50,000 रुपये हमें साई दो, तब जाके आपका ट्रैक्टर बुक होके आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। तो बिना देखे बिना चलाए, अगर मेरा भी आप कोई रिव्यू देखते हैं और आपको ट्रैक्टर पसंद आता है तो केवल मेरे वीडियो बनाने से आप ट्रैक्टर ना लें। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, हर ट्रैक्टर का अपना अपना टेस्ट होता है जी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 20 साल तक किसान ट्रैक्टर बदलने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो ट्रैक्टर को चला के जरूर देखें जी। कहीं पे भी आपको 100-200 किलोमीटर भी जाना पड़े तो 2-3 महीने पहले प्लान करें जी ट्रैक्टर लेना, सभी ट्रैक्टरों की ट्राई लें। तो आज का जो वीडियो था जी, जो भी कमेंट्स आते हैं, और कुछ कमेंट्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि भाई ज़्यादा मुझे लगता है कि इस मैटर पे वीडियो बनानी चाहिए, तो तुरंत हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो 655 और 755 का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि भाई इनमें क्या क्या अंतर है, कीमत का कितना अंतर है और किस ट्रैक्टर पे जाना चाहिए। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी। सारी फोटो ले आपको।